देश भर के भी श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्धा के अपने पितरों की शांति के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि अपने बुजुर्गों के लिए एक दिन वो अपने माता पिता दादा दादी के नाम से भोजन करावे ब्राह्मण नूं। और उसनों लेके महंगाई इन्नी ज़्यादा है कि तुम देख रहे हो असी सब्जी मंडी समाने खड़े हाँ और गलबात करते सब्जियों के रेट किन्ने ज़्यादा बढ़ गए हैं। श्राद्ध हैं, श्राद्धों के हर व्यक्ति चाहता है भी अपने बुजुर्गों की पितरों की शांति के लिए चंगे चंगा वधिया भोजन खुआवे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार जी। हाँ सर्वेश, सब्जियों का रेट किस क्या क्या रेट जा रहे हैं? सर्वेश जी 100 रुपये किलो जी गोभी ऊपर है जी, 100 रुपये तो। भिंडी 40-45 रुपये किलो बिक रही है। लहसुन 400 रुपये किलो बिक रहा है। प्याज 60 रुपये किलो बिक रहा है जी। नींबू 200 रुपये किलो बिक रहा है जी। मूली 50-60 रुपये किलो बिक रही है जी। शिमला मिर्च 150 रुपये किलो बिक रही है जी। सब्जियां के रेट वैसे भी नजायज़ नहीं जी। सब्जी का रेट ज़्यादा होने करके आम व्यक्ति दे जेब तो बाहर होती जा रही है सब्जी, और लोग श्राद्ध मनाना जरूर चाहते हैं लेकिन श्राद्धों के बीच सब्जी का महंगा होना, दुध महंगा होना, किसी ने खीर बना के खवानी है ब्राह्मण नूं तो खीर भी दूध महंगा होने करके खीर भी मुश्किल। तो अगला 1 किलो लेके जाऊगा, कितने 2-3 किलो जाके खीर बनाता सी। लेकिन महंगाई ने श्राद्धों के दिनों के बीच हर व्यक्ति को सोचने को मजबूर किया है। सब्जियों के रेट जिस तरह बढ़ रहे हैं और दूध महंगा हो रहा है। जी की नाम थोड़ा? दलजीत कौर जी। जिम्मे अच्छे श्राद्ध है अपने पितरों वास्ते बुजुर्गों वास्ते, हरेक बंदा चाहता है कि मेरे बुजुर्गों असं एक दिन साल के रोटी खुवाइए। महंगाई का किन्ना असर है उससे? बहुत ज़्यादा जी, महंगी हर एक सब्जी महंगी है जी। प्याज लै लो, प्याज 60 रुपये किलो मिल रहे हैं जी। मटर जी है 180 रुपये किलो है जी, 280 रुपये किलो है जी। हर एक चीज़ महंगी है जी। बहुत श्राद्धों के बीच फिर औखा? हाँ जी, बहुत औखा है जी। देखो जी, हाँ जी, श्राद्ध चल रहे हैं, पितरों की शांति के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया जाए, खीर बनावा और चीज़ा बनावा, सब्जी बनावा, ठीक है। लेकिन गोभी 280 रुपये होगी, 100 रुपये के ऊपर जा रही है। मटर 280 रुपये है और सब्जियाँ लगातार महंगी हैं, किन्ना असर समझ रहे हो? देखो जी, सब्जियां नु बहुत महंगी ने, जिन्ना कह रहे हो 1900 है। फिर एक बंद पहुँच तो बहर होया पाया कम, मतलब जी चीज़ 200 रुपये की मिलती थी 400 दुगने रेट हो रहे हैं। मतलब हूँ पितरों नूं शांति वास्ते हरेक नूं लोड़ आ, हरेक ने खवाने ने, मतलब जी पंडतां नूं जो हो रही सब जी, पर महंगाई बहुत उपर दी हुई पई आ। चलो अदा लोड़ मुताबक तो ले जाती है जी, है जी, नहीं खुल के नहीं ले जा सकता जी, खुल के नहीं लाने वाली छड़ी होनी है कि बच्चा इन्ना असर आ जी। देश भर के भी श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्धों के बीच अपने पितरों की शांति के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि अपने बुजुर्गों के लिए एक दिन वो अपने माता पिता दादा दादी के नाम से भोजन करावे ब्राह्मण नूं। और उसनों लेके महंगाई इन्नी ज़्यादा है कि तुम देख रहे हो असी सब्जी मंडी समाने खड़े हाँ और गलबात करते सब्जियों के रेट किन्ने ज़्यादा बढ़ गए हैं। श्राद्ध हैं, श्राद्धों के बीच हर व्यक्ति चाहता है भी अपने बुजुर्गों की पितरों की शांति के लिए चंगे चंगा वधिया भोजन खुआवे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार जी। हाँ सर्वेश, सब्जियों का रेट किस क्या क्या रेट जा रहे हैं? सर्वेश जी 100 रुपये किलो जी गोभी ऊपर है जी, 100 रुपये तो। भिंडी 40-45 रुपये किलो बिक रही है। लहसुन 400 रुपये किलो बिक रहा है। प्याज 60 रुपये किलो बिक रहा है जी। नींबू 200 रुपये किलो बिक रहा है जी। मूली 50-60 रुपये किलो बिक रही है जी। शिमला मिर्च 150 रुपये किलो बिक रही है जी। सब्जियां के रेट वैसे भी नजायज़ नहीं जी। सब्जी का रेट ज़्यादा होने करके आम व्यक्ति दे जेब तो बाहर होती जा रही है सब्जी, और लोग श्राद्ध मनाना जरूर चाहते हैं लेकिन श्राद्धों के बीच सब्जी का महंगा होना, दुध महंगा होना, किसी ने खीर बना के खवानी है ब्राह्मण नूं तो खीर भी दूध महंगा होने करके खीर भी मुश्किल। तो अगला 1 किलो लेके जाऊगा, कितने 2-3 किलो जाके खीर बनाता सी। लेकिन महंगाई ने श्राद्धों के दिनों के बीच हर व्यक्ति को सोचने को मजबूर किया है। सब्जियों के रेट जिस तरह बढ़ रहे हैं और दूध महंगा हो रहा है। जी की नाम थोड़ा? दलजीत कौर जी। जिम्मे अच्छे श्राद्ध है अपने पितरों वास्ते बुजुर्गों वास्ते, हरेक बंदा चाहता है कि मेरे बुजुर्गों ने एक दिन साल के रोटी खुवाइए। महंगाई का किन्ना असर है उससे? बहुत ज़्यादा जी, महंगी हर एक सब्जी महंगी है जी। प्याज लै लो, प्याज 60 रुपये किलो मिल रहे हैं जी। मटर जी है 180 रुपये किलो है जी, 280 रुपये किलो है जी। हर एक चीज़ महंगी है जी। बहुत श्राद्धों के बीच फिर औखा? हाँ जी, बहुत औखा है जी। देखो जी, हाँ जी, श्राद्ध चल रहे हैं, पितरों की शांति के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया जाए, खीर बनावा और चीज़ा बनावा, सब्जी बनावा, ठीक है। लेकिन गोभी 280 रुपये होगी, 100 रुपये के ऊपर जा रही है। मटर 280 रुपये है और सब्जियां लगातार महंगी हैं, किन्ना असर समझ रहे हो? देखो जी, सब्जियां बहुत महंगी ने, जिन्ना कह रहे हो 1900 है।
ਰਿਕ ਬੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 400 ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਹਰੇਕ ਨੇ ਖਵਾਉਣੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸਭ ਜੀ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਲਿਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਆ ਜੀ